When I went up to university, I was given a room of my own. जब मैं विश्वविद्यालय में गया तो मुझे अपना कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। हमारे बीच आपस में जो एक साझा संबंध था वो भी टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। मेरी दादी ने अपना अकेलापन बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार कर लिया। सी रेयरली लेफ्ट अ स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वो बड़ी मुश्किल से कभी कभार अपना चरखा जो है वो दूसरों से बात करने के लिए छोड़ कर जाती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। सूर्योदय से लेकर सूर्य छिपने तक वो अपने चरखे के पास बैठी रहती, उसको काटती रहती और अपने भजन गाती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोस। केवल मात्र दोपहर बाद वह दोपहर में थोड़ी देर के लिए आराम करती और तब वह चिड़ियों को दाना खिलाती। व्हाइल सी सैट इन द बरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इन टू लिटिल बिट्स। हंड्रेड्स ऑफ द लिटिल बर्ड्स कलेक्टर राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स। जब वह बरामदे में बैठती और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती तो कई सौ छोटे छोटे पक्षी उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते और एक वास्तविक शोरगुल, चहचहाने का शोरगुल जो है वो वहाँ पे पैदा कर देते। सम केम एंड पर्ज्ड ऑन हर लेग्स। कुछ चिड़ियाँ आती और उसकी टांगों के ऊपर बैठ जाती। अदर्स ऑन हर शोल्डर और दूसरी जो है कुछ कंधों पे बैठ जाती। सम इवन सैट ऑन हर हेड। कुछ यहाँ तक उसके सिर के ऊपर भी बैठ जाती। सी स्माइल बट नेवर शूट देम अवे। वो मुस्कुराती परंतु कभी भी उन्हें झिड़क कर दूर नहीं उड़ाती। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। ये उसके लिए दिन का सबसे अच्छा खुशनुमा आधा घंटा हुआ करता। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने ये निश्चय किया कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाऊंगा, I was sure, तो मुझे यकीन था कि मेरी दादी माँ बहुत ही अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years और मैं 5 साल जो है उससे दूर रहूँगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। और उसकी उम्र में कोई नहीं बता सकता कि इतने लंबे समय तक वो जिंदा रहेगी या नहीं। बट माई ग्रैंड मदर कुड, परंतु मेरी दादी रह सकती थी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। वो यहाँ तक भावुक भी नहीं थी। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन। वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। परंतु उसने मेरे से बात नहीं की और ना ही कोई भावना जो है वो दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन ए प्रेयर। उसके होंठ लगातार अपनी प्रार्थना करते रहे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। उसका दिमाग जो था वो उसी प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। उसकी उंगलियां अपनी माला के मन के जपने में व्यस्त थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड। चुपचाप तरीके से उसने मेरा माथा जो है वो चूमा। एंड वन आई लेफ्ट, और जब मैं वहाँ से गया, आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट। तो मैंने अपने माथे के ऊपर
गीलेपन का प्रिंट जो है वो मैंने महसूस किया, एज परहैप्स अ लॉट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, जैसे कि शायद यह हमारे शारीरिक संपर्क का आपस में अंतिम संकेत था। बट दैट वॉज नॉट सो, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल के बाद मैं वापस घर आया, एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और उसको रेलवे स्टेशन के ऊपर ही मिला। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वह एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं दिखाई दे रही। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उसके पास अभी भी शब्दों के लिए यानी बातचीत के लिए कोई समय नहीं था। एंड व्हाइल सी क्लैस्प मी इन हर आर्म्स, और जब उसने मुझे अपनी बाहों के अंदर भरा यानी मुझे गले लगाया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, तो मैं उसको अपनी भजन या प्रार्थना गाते हुए सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे पहुँचने के पहले दिन, हर हैप्पीस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, उसका सबसे खुशनुमा पल जो थे वो उसकी चिड़ियों के साथ ही थे, होम सी फेड लॉन्गर एंड विद फ्राइवलेस रिवर्क्स, जिनको उसने उस दिन कुछ लंबे समय तक दाना खिलाया, एंड विद फ्राइवलेस रिवर्क्स, और थोड़ी हल्की फुल्की डांट भी उनको दी। फ्राइवलेस मीन्स हल्की फुल्की, रिवर्क्स मीन्स डांट। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम को उसके ऊपर एक बदलाव आ गया। सी डिड नॉट प्रे, उस दिन उसने पूजा नहीं की। सी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, उसने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, और कहीं से एक पुराना ढोल जो है वो ले आई और गाना शुरू कर दिया। For several hours she thumped the sagging skin of the dilapidated drum, कई घंटों तक उसने उस टूटे फूटे ढोल की खाल को, ढीली ढाली खाल को बजाया। And sang of the homecoming of the warriors, और योद्धों के घर आने के गाने जो हैं वो उसने गाए। We had to persuade her to stop to avoid overstaining, हमें उसे समझाना पड़ा कि वह गाना बजाना बंद कर दे ताकि overstaining से बचा जा सके, यानी थकावट से बचा जा सके। That was the first time since I had known her, ये पहला समय था जब से मैं उसको जानता था, that she did not प्रे, कि उसने बिल्कुल भी पूजा नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, अगले सुबह वह बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, ये बिल्कुल हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने हमें बताया कि ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, परंतु मेरी दादी ने कुछ अलग ढंग से सोचा। She told us, उसने हमें बताया, that her end was near, कि उसका अंतिम समय अब नज़दीक आ गया है। She said that, उसने कहा, since only a few hours before the close of the last chapter of her life, उसने कहा क्योंकि उसके जीवन का अंतिम पार्ट बंद होने से कुछ घंटे पहले, she had omitted to pray, उसने पूजा करने से दूरी बनाई थी। She was not going to waste any more time talking to us, वो हमसे बातचीत करने में और ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहती थी। We protested, हमने विरोध किया। But she ignored our protests, परंतु उसने हमारे विरोध को नज़रअंदाज कर दिया। She lay peacefully in bed, praying and telling her beads, वो बड़ी शांतिपूर्वक अपने बिस्तर में लेट गई,
प्रार्थना करती रही और अपनी माला जपती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, यहाँ इससे पहले कि हम कुछ संदेह कर सकें, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके होंठ जो थे वो हिलना बंद हो गए, एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और माला जो है वो उसके निर्जीव बेजान उंगलियों से नीचे गिर गई। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और एक शांतिपूर्वक पीलापन उसके चेहरे के ऊपर बिखर गया, छा गया। एंड बी न्यू दैट सी वॉज डेड, और हम जान गए कि वह मर चुकी थी। बी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसको अब बिस्तर से उठाया। एंड एज इज कस्टमरी, और जैसे कि रिवाज है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, और उसे नीचे धरती पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विद रेड श्राउड, और उसे लाल कफन, श्राउड मीन्स कफन, लाल कफन के साथ उसको ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग यहाँ पर इसका अर्थ है शोक, शोक प्रकट करना। कुछ घंटों के शोक के बाद बी लेफ्ट हर अलोन, हमने उसे अकेले छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, ताकि उसकी अंत्येष्टि, फ्यूनरल अंत्येष्टि का प्रबंध कर सकें। इन द इवनिंग बी वेंट टू हर रूम, शाम को हम उसके कमरे में गए। विद द क्रूड स्टैचर, यानी अर्थी के साथ, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, ताकि उसको उसका अंतिम संस्कार किया जाए। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य जो था वो छिप रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड ब्रांड अप विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और उस छिपते हुए सूर्य ने उसके कमरे और बरामदे को सूर्य की गोल्डन है, सुनहरी किरणों की किरणों ने एकदम कमरे और बरामदे के अंदर चमक बिखेर दी। बी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम आंगन में आधे रास्ते में रुके। ऑल ओवर द बरामदा ब्रांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू हियर सी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड शाउड, थाउजेंड ऑफ स्पैरो सैट स्कैटर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, पूरे बरामदे में और उसके कमरे में, राइट अप टू हियर, जहाँ जहाँ पे वह मृत लिटाई हुई थी। एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, और पूरी तरह से तन कर लाल कफन में लपेटी हुई थी। थाउजेंड ऑफ स्पैरो सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, तो हजारों चिड़ियां जो है एक बिखर कर उस फर्श के ऊपर आकर बैठ गई। देर वॉज नो चिरपिंग, वो बिल्कुल भी चहचहा नहीं रही थी। बी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने उन पक्षियों के लिए अफसोस प्रकट किया। एंड माई मदर फेज सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ कुछ रोटी जो है वो उनके लिए ले आई, फैच ले आना। सी ब्रोक इट इन टू लिटल क्रम्स एज द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी दादी किया करती थी, वैसे ही मेरी माँ ने उस रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो किए। एंड थ्रू इट टू देम, और उन चिड़ियों को वह फेंक दिए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, चिड़ियों ने उस रोटी के टुकड़ों को की ओर देखा भी नहीं। व्हेन वी कैरीड माय ग्रैंडमदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब हम मेरी दादी के शव को ले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वे चुपचाप वहाँ से उड़कर चले। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह झाड़ू लगाने वाले ने उन छोटे छोटे रोटी के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया।